मैं किसी को पटकनी देने के लिए वहां नहीं जा रहा, मैं बदलाव के लिए जा रहा हूं, मैं बदला लेने नहीं जा रहा हूं। इस बात में बहुत बड़ा अंतर है। मगर कोई मुझे ये बात कहता है और कोई समझता है कि मैं उसके लिए चैलेंज हूं, तो निश्चित तौर पर फिर इसका खतरा तो उसे होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, वो बार बार ये कह चुके हैं कि मैं किलोई से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और आज भी वो ये बात मानते हैं कि उन्हें 6 महीने के बाद किलोई से विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो वहाँ की जनता दो बार वोट क्यों दे? जो गाड़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई है लोगों की, इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है वो लोगों का खर्चा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का खर्चा दो बार क्यों हो? सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए? सोनीपत की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे आदमी को फ्री फोकट में जिताकर भेजे और 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन का सामना करना पड़े। हुड्डा को पटकनी खानी पड़ेगी। हुड्डा को जो हालात सुरजेवाला जी के हुए, उन्हें तो जमानत बचा ली थी, मैं मानता हूँ भूपेंद्र हुड्डा की तो जमानत भी नहीं बचेगी। बीजेपी भी चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है? बीजेपी से हमारा सीधी बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी से टक्कर है, और वो इस बात के लिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान कमेरे की, मजदूर की, गरीब की हिमायती नहीं है, सदैव इसके विरोध में रही, और उनकी जो पॉलिसीज पिछले 5 साल में रही वो कहीं ना कहीं इस वर्ग को प्रताड़ित करने वाली रही। आज वहाँ के सांसद को गाँव में जाकर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी को लोग रिजेक्ट करने का मन बना चुके हैं। आपका गठबंधन हुआ, कितना प्रभाव देते हैं? बहुत फर्क है। हम गांव-गांव में जा रहे हैं और हर गांव में आम आदमी पार्टी के लोग, हर शहर में, हर वार्ड में आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से साथ दे रहे हैं। विरोधी लगातार आपके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर आपके चाचा। अब भाई जिसकी दुकान में माल होगा उसी के खिलाफ तो कोई कुछ बोलेगा, खाली दुकान वालों के खिलाफ कौन बोलता है? अब मेरे चाचा के खिलाफ कौन बोलेगा कोई, जब उनकी दुकान में कुछ बचा ही नहीं? जिसकी दुकान में कुछ होगा, जिसके साथ लोग होंगे, उसके खिलाफ फिर विरोध भी उसी का होता है ना, जिसका विरोध होने लायक हो। लगातार बयान कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो बच्चों की पार्टी है उनको सबक सिखाएंगे। अब वो जनता का काम है, जनता सबक सिखाएगी या जनता हमें आगे बढ़ाएगी? जनता को ये लगता है कि ये बच्चे लायक हैं तो ये जनता ने फैसला करना है। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे राजशाही में राजा महाराजा किया करते हैं, एम्परर रूल्स आर ओवर। अब ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है, ये कोई नार्किज्म नहीं है। सोनीपत का मुकाबला कितना कड़ा है? सोनीपत का मुकाबला बेहद अहम मुकाबला है और ये बड़ी जो है ना हॉट सीट बन गई है, और सोनीपत का रिजल्ट जो है वो भविष्य में हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर के आएगा। सोनीपत वीरों की भूमि रही है, सोनीपत बदलाव की भूमि रही है, सोनीपत के लोग राजनीतिक तौर पर हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ जागरूक लोग हैं। जींद की पावन धरा पे कांग्रेस वाले राष्ट्रीय स्तर के धुरंधर को लेकर के आए थे और 700 वोटों से जमानत बची थी। यही प्राय स्थिति चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की होने वाली है। बीजेपी अपने आप को प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी मानती है, क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या रहेगा? प्रजातंत्र में फैसला करना तो लोगों का काम है, ताकत में है, सत्ता में बैठे हुए हैं, तो पार्टी तो बड़ी है, नो डाउट। दुष्यंत का चुनाव कैसे रहेगा? दुष्यंत हिसार में काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। दुष्यंत को पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसका एक कारण है, उसने 5 साल में अपने विरोधियों को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया है। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है पूरे हिसार पार्लियामेंट के क्षेत्र में जो उसका क्रिटिक हो, जो उस पर नुक्ताचीनी करे या कोई बात कहे। कब तक विचार किया जा रहा है कि आपका और आप पार्टी की रैली को जनसभा कब तक होगी? ये फर्स्ट वीक में केजरीवाल जी आएंगे? बिल्कुल, केजरीवाल जी रोड शो भी करेंगे, रैलियां भी करेंगे। आप कब तक प्रचार करेंगे? मैं 7 मई तक बाहर हूँ, 7 मई तक करूँगा। क्या आपकी बीवी भी प्रचार करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। राहुल गांधी, गांधी परिवार और मोदी, अमित शाह भी प्रचार करेंगे हरियाणा में, क्या आपको लगता है कि कोई प्रभाव डाल पाएंगे? सब करेंगे, वो तो 7 तारीख को लास्ट रैली जब हम करेंगे तो दिखा देंगे कि रैली किसकी है। नहीं, क्या उनके आने से कोई हरियाणा में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव, कुछ किया हो तो प्रभाव पड़े ना। आज राष्ट्रवाद की बात करके, धारा 370 को ख़त्म करके, 35A की बात करके तो वोट हासिल नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब, पूरे हरियाणा की अगर बात करें
बीजेपी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह, जेजेपी को नई पार्टी, बच्चों की पार्टी जगह। अब पूरे हरियाणा में किसी किस तरह के समीकरण देखते हैं, और हिसार की बात कर ले, सोनीपत की बात कर ले, हरियाणा में जो सभी सीटें हैं, वैसे हॉट सीट है, मुकाबला जबरदस्त रहेगा, किस तरह से देखते हैं? चुनाव में मुकाबला तो होता ही है, पर जननायक जनता पार्टी ने जींद में अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, और वही स्थिति प्रायः अब हरियाणा प्रदेश में उससे बेटर हो। आपके छोटे भाई लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जजपा का कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हासिल होगा चुनाव में, तो उनका जींद में क्या हुआ था, वो तो उनसे पूछो ना, मेरे से क्यों पूछते हो? और अब थोड़े दिन में ये तो नाई वाले बाल हैं सामने आ जाएंगे। जो रहेगी आपके सामने आएगी, पर इससे भी बुरी रहेगी, जो मौजूदा स्थिति है इससे बुरी रहेगी। अर्जुन को कुरुक्षेत्र से टिकट दी गई इनेलो की तरफ से। हाँ, दिग्विजय को जब जींद लड़ाया तब तो बोले इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, ये दिग्विजय को लड़ा रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र में तो इनके पास सारे धुरंधर कैंडिडेट थे, अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा, नया नया समधि बनाए, दिलबाग सिंह, एक उनकी शेर सिंह बड़श्यामी जी की वाइफ, एक संतोष दैया, फिर क्यों नहीं लड़े वो? लड़ाते उनको किसी को।